Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4 by Brain Root series, and here's a book, Science Spark. Today we are going to start chapter number 3 and the name is Keeping Safe. So children, in this chapter we are going to learn about how can we be safe at home, in school, on the playground, on the road, at the swimming pool, and we are also going to learn about how to do first aid. So let's start the chapter with the warm up. Put a cross on the items that you should not keep in the first aid box. So yahan pe un items pe cross lagana jo hum apne first aid box mein nahi rakhna. To scissor honi chahiye, dawai honi chahiye, bandage hona chahiye, kya rose hona chahiye? No. Next, क्रेप बैंडेज होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, क्या एप्पल होना चाहिए? नो. क्या कोलगेट होना चाहिए? नो. एक्सीडेंट्स ऑलवेज हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. मोस्ट एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस और इन हरी. जब हम बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दीबाजी में, तभी ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं. दे कॉज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग. एक्सीडेंट की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और हम सफ़र भी करते हैं. समटाइम्स दे कैन कॉज सीरियस इंजरीज एंड इवन लॉस ऑफ लाइफ. कई बार क्या होता है, ये जो एक्सीडेंट्स हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर हमारी लाइफ भी लॉस हो सकती है. यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट. हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान से काम करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके. चाहे हम घर के अंदर हो, चाहे हम बाहर हो, हमें कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो कैसे रहना हमें सेफ घर पे, हमें ये जो रूल्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है ताकि हम घर पे सेफ रह सके. पहले है, नेवर वियर नायलन क्लोथ्स इन द किचन. किचन में कभी भी जाए तो नायलन के कपड़े ना पहने. थ्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इन द डस्टबिन, नॉट ऑन द फ्लोर. जो भी टुकड़े हैं, चाहे वेजिटेबल या फ्रूट के पील्स हैं, उन्हें हम कभी भी ज़मीन पे ना फेंक के डस्टबिन में फेंकें. कीप द फ्लोर ड्राई. हमेशा अपने घर की फर्श को ड्राई रखें. इफ फ्लोर इज वेट यू कैन स्लिप और फॉल. आप गिर सकते हो, आप स्लिप कर सकते हो. Next, always make sure that the used matchstick is really out before throwing it. हमेशा ध्यान रखें कि आपने, अगर मान लीजिए एक माचिस की तीली जलाई है, वो पूरी तरह से बुझ जाए तभी आप उसे फेंकें. Always turn off the gas stove when not in use. गैस का अगर काम नहीं है तो उसे हमेशा बंद रखें. Never leave the soap bar on the bathroom floor. Soap का जो बार है उसे बाथरूम के फर्श पे ना रखें. आप गिर सकते हो, आप स्लिप हो सकते हो. Do not touch the bucket when water is being heated with an immersion rod in it. हमें जो है बकेट को टच नहीं करना है जब जो है पानी उसके अंदर गर्म हो रहा है, या फिर इमर्शन रॉड, जो पानी गर्म करने वाला रॉड होता है, वो उसके अंदर अगर हो तो बकेट को टच ना करें. Never play with razor and blade. Razor और blade के साथ ना खेलें, आपकी उंगलियां कट सकती हैं. Never touch plugs and switches. Plug और switch को ना छुएं, गीले हाथों से तो बिल्कुल भी ना छुएं. आपको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है. और अगर इलेक्ट्रिक शॉक या फिर स्पार्किंग हो रही है कहीं घर में, तो हमेशा जाके मेन स्विच को बंद कर दें. So never touch plugs with wet hand and keep floor dry. So these are the points that we should remember when we are at home. Now here is an activity that we have to do. Arushi came home from school and found the door unlocked. She knew her parents were out. तो आरुषि जब बाहर से घर आती है तो वो देखती है उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, ये उसे पहले से पता था. As she paused open the door, she saw a house help carrying something across the room. तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसका जो हाउस हेल्प था, मीन्स जो घर में काम करने वाला एक नौकर था, वो कोई सामान जो है रूम में इधर उधर लेके जा रहा था. The woman seemed alarmed, but quickly told Arushi to change the and come for lunch. तो उसने क्या देखा कि जो उसकी हाउस मेड थी,
वो कुछ काम कर रही थी, मीन्स कोई सामान इधर से उधर ले रही थी। अब उसे आरुषि को देख के वो वुमेन डर जाती है, लेकिन वो आरुषि से कहती जाओ कपड़े बदल के जल्दी से खाना खाने आ जाओ। आरुषि had doubt as a house help was not given a key, house key. So how could she have entered the house? अब आरुषि को लग रहा था कि उसके जो हाउस हेल्प है, जो मेड है, उसे उसके पास तो चाबी है ही नहीं, वो घर के अंदर कैसे आई। With a strange feeling in her heart, आरुषि moved towards her room. अब ये चीज़ सोच के वो अपने कमरे तक जाती है। She knew something was not right. उसे पता था कुछ गड़बड़ ज़रूर है। So what you have to do? You have to complete the story by making it as interesting as you can. तो आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है and narrate how Arushi could have kept herself and the belongings in a house safe by being smart. कैसे वो स्मार्ट होकर अपनी चीज़ों को ठीक से, अपने belongings को ठीक से रख सकती है। Now let's learn about safety at school. कैसे हमें स्कूल में सेफ रहना है। सो स्कूल में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जब चिल्ड्रन जो है बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। दे शुड फॉलो सिंपल सेफ्टी रूल्स एट स्कूल एंड दीज आर एज फॉलोज। तो बच्चों को कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्या है वो सेफ्टी रूल्स? पहला है डू नॉट रन अबाउट एंड प्ले इन द क्लासरूम। फिर क्लासरूम में इधर उधर ना दौड़ें और ना ही खेलें। डू नॉट जम्प ओवर डेस्क और टेबल। डेस्क और टेबल पे बिल्कुल भी ना जम्प करें। बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग और कमिंग डाउन ऑन द स्टेयरकेस। अगर आप सीढ़ियों से उतर या चढ़ रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से उतरें या चढ़ें। डू नॉट पुश एनीवन और रन डाउन द स्टेयर्स। हमें जो है कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और सीढ़ियों से नहीं दौड़ के जाना चाहिए। यू मे फॉल और हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स टू। आप खुद तो गिर सकते हो, आपको खुद को चोट लग सकती है और दूसरों को भी लग सकती है। नेवर थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास। क्लास में इधर उधर चीज़ों को ना फेंके। तो आप देख सकते हो ना कैसे एक बच्चा जो है डेस्क पे चढ़ा है और कूद रहा है। सो दिस इज वेरी रॉन्ग एंड अनसेफ। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड में कैसे हमें सेफ रहना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ गेम। जो भी हम गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स को फॉलो करें एंड अपने टाइम टर्न का वेट करें। Do not get high on the swings as you may fall off. जो swing हैं, जो झूले, उस पर बहुत ऊपर तक ना जाएं। Do not push or hit each other while playing. ना एक दूसरे को धक्का दें, ना एक दूसरे को मारें जब आप खेल रहे हैं। And do not play rough games. हमें कभी भी rough games नहीं खेलने चाहिए जिसमें किसी को चोट लग सकती है। Next comes safety on the road. Road पे कैसे हमें safe रहना है? So road accidents are very common in All big cities and towns. Road accident जो है काफ़ी ज़्यादा common है, चाहे कोई बड़ा शहर हो या कोई town हो। To avoid these accidents, इन accidents को रोकने के लिए we must follow the traffic rules. हमें traffic rules को follow करना चाहिए। क्या करना चाहिए? Always walk on the footpath. हमेशा footpath पे चलें। Cross the road through zebra crossing. हमेशा zebra crossing से ही road cross करें। While crossing, stop, listen and look first. पहले रुकें, देखें और फिर आगे जाएं. Look in your left, then to your right, again to the left. And if the road is clear, cross the road. तो हमेशा cross करते समय पहले left देखें, फिर right देखें, फिर से left देखें and then road को cross करें. अगर road clear है तो. Never run or play on the road. कभी भी रोड पे ना खेलें ना ही दौड़ें. Walk straight across the road. रोड पे हमेशा सीधा चलें. Keep a watch while crossing a road. रोड को क्रॉस करते समय हमेशा ध्यान रखें कि कहीं से कोई व्हीकल ना आ रही हो. Children, do you know that on 5th August 1914 the first electric traffic light was installed in Cleveland, ओयो, USA. क्या आपको पता है कि जो 5th अगस्त 1914 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट जो है इंस्टॉल की गई थी, कहाँ पे? ओयो में, जो कि USA में है एंड इट वॉज इन क्लेवलैंड। ऑलवेज फॉलो द लाइट ऑफ द ट्रैफिक इन दिस इंटरसेक्शन वेदर यू आर वॉकिंग और ट्रैवलिंग इन अ कार। तो हमेशा क्या करना है, ट्रैफिक लाइट्स को ध्यान से देखना है, चाहे आप वॉक कर रहे हो चाहे आप कार में हो। नेक्स्ट, ऑलवेज पुट
ऑन द सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार. जब भी आप कार में ट्रैवल करो हमेशा सीट बेल्ट लगा के ट्रैवल करें. अब आप देखिए कैसे लोग फुटपाथ पे चल रहे हैं. दिस इज द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. Now children, do you know the Indian Red Cross Society is an organization that takes care of the people during crisis or emergency. आपको पता है कि Indian Red Cross Society जो है वो क्या करती है, एक ऐसी organization है जो लोगों का ध्यान रखती है किसी भी मुसीबत के समय, किसी भी emergency के समय. जैसे कि एकदम से war हो जाए, युद्ध हो जाए, national calamity आ जाए, means अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, तो इन सब चीज़ों में ये लोगों का, उन लोगों का ध्यान रखती है जो इससे परेशान हैं. सो रेड क्रॉस सोसाइटी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. आपको क्या करना है, राइट येस और नो फॉर येस फॉर व्हाट यू शुड एंड नो फॉर व्हाट यू शुड नॉट डू. जो करना चाहिए उसमें येस करेंगे, जो नहीं करना चाहिए उसमें नो लिखेंगे. सो प्ले विद द नाइफ, क्या नाइफ के साथ खेलना चाहिए, नो. वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग, स्विंग पे अपने टर्न का वेट करना चाहिए, येस. सो डू द रेस्ट योर सेल्फ. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल. अब स्विमिंग पूल पे कैसे सेफ रहना चाहिए. सो स्टे एट द शैलो एंड ऑफ द स्विमिंग पूल, मीन्स जो कम गहरी जगह है वहां पे रहें स्विमिंग पूल में. यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग, हमेशा एक स्विमिंग ट्यूब पहन के ही स्विमिंग पूल में जाएं. इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर, अगर आप एक एक्सपर्ट स्विमर ना है तो. ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, किसी एडल्ट के प्रेजेंस में ही स्विम करें. डू नॉट जंप इन टू द पूल अनलेस यू नो हाउ टू स्विम वेल, तब तक पूल में जंप ना करें जब तक आपको ये ना पता हो कि स्विम कैसे करते हैं. Now let's learn what is first aid. An injured person needs to be given help as soon as possible. मान लीजिए इतने सारे precautions लेने के बाद भी कोई इंसान को, किसी इंसान को चोट लग जाती है, तो ऐसे इंसान को बहुत ही जल्दी हमें first aid देने की ज़रूरत होती है, उसकी help करने की ज़रूरत होती है. So the immediate or first help, जो पहले या फिर जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है किसी भी इंजर्ड पर्सन को, बिफोर अ डॉक्टर अराइज, और डॉक्टर के आने से पहले, इज कॉल्ड फर्स्ट एड, इसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन वी शुड, जब हम फर्स्ट एड देते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस इंसान को कंफर्ट करना चाहिए, उसे घबराने से रोकना चाहिए. फिर नॉट क्राउड अराउंड हिम, उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए. मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड मेक हिम कंफर्टेबल, उस इंसान को लिटा देना चाहिए, उसे कंफर्टेबल करना चाहिए. लूज इन द विक्टिम्स क्लोथ, जो विक्टिम है उसके कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए. चिल्ड्रेन डू यू नो दैट ट्रेन पीपल आर कॉल्ड पैरामेडिक्स कैन टेक केयर ऑफ इंजर्ड पर्सन. सो ये जो पैरामेडिक्स होते हैं ये ऐसे ट्रेन लोग होते हैं जो इंजर्ड लोगों का ध्यान रखते हैं, एंड दे आर लाइक डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स की तरह होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ फर्स्ट एड टिप्स, क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए. फॉर ब्लीडिंग वाउंड्स, मीन्स कहीं चोट लग गई और खून निकल रहा है तो क्या करना चाहिए, वॉश द वाउंड विथ वाटर एंड रिमूव द डर्ट, हमें वाउंड को, उस चोट को पानी से धोना चाहिए और डर्ट को, मीन्स जो गंदगी लगी उसे साफ करना चाहिए. वाइप द एरिया अराउंड द वाउंड विथ कॉटन डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन, तो वो एरिया जहाँ पे वो चोट लगी हुई है उसमें कॉटन डुबा के हमें जो एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना चाहिए. प्रेस द वाउंड फर्मली यूजिंग अ कॉटन पैड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, उस एरिया में जहाँ से खून निकल रहा है उसे प्रेस करें ताकि वहाँ से खून को रोका जा सके. टाई ए टाइट बैंडेज ओवर द वाउंड, उस चोट पे हमें टाइट बैंडेज बांधना चाहिए. नाउ सेकेंड वन, इफ अ पर्सन हैज फेंटेड, अगर किसी को चक्कर आ गया फिर क्या करें, मेक हिम लाई डाउन विथ हिज हेड लोअर देन हिज बॉडी, तो ऐसे इंसान को लिटा देना चाहिए, उसका सिर उसके बॉडी से नीचे होना चाहिए, मीन्स तकिया ना लगाए उसके सिर के नीचे. सो दैट द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन इंक्रीजेस, ताकि जो ब्लड का सप्लाई है वो ब्रेन तक पहुंचे. नेक्स्ट है फॉर बर्न्स, अगर कोई इंसान जल जाए फिर क्या करना चाहिए, इफ अ बर्न इज माइनर, अगर छोटा मोटा बर्न है
wash the burnt area with cold running water, pour put an ice pack on the burnt area. हमें क्या करना है, ठंडे पानी से उस जगह को धो देना है और उस पर आइस पैक लगाना है. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया. फिर हमें उस जगह पे क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए. नेक्स्ट इज फॉर इलेक्ट्रिक शॉक. अगर किसी को बिजली का झटका लग जाए फिर क्या करें. इफ समवन हैज हैड एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट. हमें इलेक्ट्रिकल करंट को बंद कर देना चाहिए एट द मेन्स एंड ब्रेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पर्सन एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई. तो पहले मेन स्विच बंद करें और इलेक्ट्रिक सप्लाई और उस पर्सन के बीच के कॉन्टैक्ट को ख़त्म करें. Do not go near or touch the person until you are sure that the electric supply has been switched off. तो उस इंसान के पास तब तक न जाएं जब तक आपको ये ना लगे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है. नेक्स्ट फिफ्थ वन फॉर इंसेक्ट बाइट. मान लो कोई कीड़ा या फिर कोई फ्लाई वगैरह आपको काट ले तो क्या करें. पीपल मे गेट बिटन बाई इंसेक्ट, लोगों को इंसेक्ट काट लेता है. Some insects sting or bite are very painful and cause swelling. कुछ कीड़ों के काटने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और कई बार सूजन भी आ जाती है, swelling आ जाती है. The following treatment should be given to give relief. ये जो treatment है इन्हें use करना चाहिए relief देने के लिए उस person को. तो पहले क्या करें, wash the affected area, जो जगह है उसे पहले wash करें with lime water. नींबू के पानी से उसे वॉश करें और अप्लाई अमोनिया सॉल्यूशन ओवर इट या फिर अमोनिया सॉल्यूशन लगाएं उस जगह पे. आप ये भी लगा सकते हैं, अप्लाई कैलमाइन लोशन ऑन द बी स्टिंग टू रिड्यूस इचिंग. खुजली को कम करने के लिए हम ये कैलमाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज प्लेस आइस ओवर द इफेक्टेड स्पॉट. जिस जगह पे बी ने काटा है वहाँ पे आप आइस लगा सकते हैं. अब नेक्स्ट है फॉर पॉइजनिंग. अगर किसी ने गलती से कुछ जहरीली चीज़ खा ली है फिर क्या करना है. सो इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग ट्राई टू मेक द पर्सन थ्रो अप. सो अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उस इंसान को उल्टी करने में आपको हेल्प करनी है. इफ इट इज पॉइजनिंग थ्रू स्नेक बाइट, मान लो कि किसी को सांप ने काट लिया है, इमिडिएटली टाई अ वेरी टाइट बैंडेज अबव और बिलो द वाउंड. हमें उस इंसान के उस चोट के हिस्से के ऊपर और नीचे क्या करना चाहिए, बहुत ही टाइट पट्टी बांधनी चाहिए टू लेट द ब्लड फ्लो आउट, ब्लड को ताकि बॉडी में फ्लो ना कर सके. दिस वे यू विल स्टॉप पॉइजनस ब्लड. इस तरीके से हम उस पॉइजनस ब्लड को रोक सकते हैं फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम, पूरे बॉडी में फैलने से. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड बॉक्स. सो एवरी होम शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन केस समवन गेट्स हर्ट. हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कहीं किसी को चोट न लग जाए तो उस समय इमीडिएट केयर के लिए हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए. सो प्रिपेयर अ फर्स्ट एड बॉक्स दैट कंटेन, हमें एक बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. बैंडेज होना चाहिए, सेफ्टी पिंस होने चाहिए, स्मॉल टॉर्च होना चाहिए, स्टिकी टेप होना चाहिए, थर्मामीटर, गॉज पैड्स, प्लास्टिक ग्लव्स, बैंडेज, ट्वीजर्स, कॉटन सीजर्स एंड आयोडीन सॉल्यूशन. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में. ऑल्सो हैव सम मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ भी होनी चाहिए इसके अलावा, जैसे एंटीसेप्टिक डिटोल या फिर सेवलॉन होना चाहिए. एंटीबायोटिक क्रीम होनी चाहिए जैसे कि न्योस्प्रिन हो गया. पेन किलर होना चाहिए जैसे ब्रूफीन हो गया. कफ का मेडिसिन होना चाहिए जैसे कि बेनाड्रिल हो गया. सो ये सारी दवाइयाँ हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. बर्न, अगर कहीं पे बर्न है तो हमें इन सब में से क्या करना चाहिए. ट्राई टू मेक द पर्सन थ्रो अप, वॉश अंडर रनिंग वाटर और अप्लाई आइस. सो हमें क्या करना चाहिए, अगर बर्न का केस है तो वी शुड वॉश अंडर रनिंग वाटर और अप्लाई आइस. फूड पॉइजनिंग है तो ट्राई टू मेक द पर्सन थ्रो अप. सो लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मैच देम योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक.
एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय बीइंग अ लिटिल मोर केयरफुल, अगर ज़्यादा केयरफुल होंगे तो हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं. एट होम डू नॉट रन ऑन वेट फ्लोर और इन द रूम विथ फर्नीचर. इन द बाथरूम टेक केयर दैट द फूड इज ड्राई, सॉरी द फ्लोर इज ड्राई एंड देर इज नो शैम्पू और सोप ऑन द फ्लोर. इन द किचन डू नॉट प्ले विद द मैच स्टिक्स, गैस स्टोव और नाइफ्स. At school, do not run on stairs or slide. Be careful while crossing the road. Always walk on the pavement. Observe safety rules in the playground and swimming pool. There are different kinds of first aid for different injuries. Make sure that you have a first aid box in your home. So these are the important points that we have to remember. Now let's move on to new words. So here the first word is gauze. Gauze means thin net-like fabric used to cover wounds. And safety is a way to remain safe. Next is footpath. Footpath is a path on the side of the road for walking. ये एक रास्ता है जिसपे आप चल सकते हैं, रोड के साइड में होता है. And zebra crossing, the black and white stripes marking a path on roads. Now children, let's move on to book exercise. Here a exercise is take the correct option. Sharp objects that you should not play with. ऐसे sharp objects के बारे में बताना है जिनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए. तो क्या वो scissor है, knife है, blade है या all of these means सब है. तो yes, हमें ना scissor से खेलना चाहिए, ना blade से, ना ही knife से. So we will take all of these. Now second one is things that should be kept out of reach of children. कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए? मेडिसिन, फ्लोर क्लीनर, नैपथलिन बोल्स या फिर सब. सो इन सब को हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए. सो चिल्ड्रेन डू द रेस्ट टू क्वेश्चंस योर सेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो यर द फर्स्ट वन इज डैश ऑलवेज हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन. सो इट इज accidents. Accidents always happen all of a sudden. Never wear nylon clothes in the kitchen. So like this you have to do the rest three questions yourself. Now let's move on to C part, which is write true or false for the following statements. We should always try to avoid accident. Kya hame accidents ko avoid karna chahiye? Yes, true. Keep the floors dry. Yes, true again. So children, do the rest questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. How can we avoid accident? So we can avoid accident by following the safety rules. We should follow the safety rules, and by following these we can avoid accidents. What is first aid? So first aid is the first help that is given to an injured person. So first help given to injured person. Clear children? Now what care will you take to avoid getting an electric shock? What safety rules do you follow when you cross a road? And what first aid will you offer to an insect bite? So these three questions are your homework. Do them yourself. With this children, we have completed this chapter of safety rules first aid. I hope you are aware of different safety rules and you will follow them. So children, I will be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.